हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि गहलोत मारवण की अपेक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि खुद अशोक गहलोत ने बतौर विधायक कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई सवाल नहीं उठाया। गहलोत को केवल चुनाव के समय ही अपने क्षेत्र की याद आती है। शेखावत ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार ने 5 साल में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बेहतरीन विकास कार्य करवाया है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ आम जन को मिला है, जबकि कांग्रेस ने कूरी बयानबाजी करके और भाजपा के खिलाफ झूठा प्रचार करके टाइम पास किया है। शेखावत बुधवार शाम को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत, महापौर घनश्याम ओझा और जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी भी मौजूद थे। शेखावत ने कहा कि जब प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार सत्ता में आई तो राजस्थान बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, लेकिन राज्य सरकार ने 5 वर्ष तक विकास कार्य करवाए और आज राजस्थान की स्थिति पहले से कई बेहतर है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री ने कभी भी शक्ल नहीं दिखाई और अब कोरी बयानबाजी करके टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत के लिए राजस्थान की जनता ने कमर कस ली है। माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। निश्चित तौर पर राजस्थान में बार बार सरकारें बदलने का मिथ टूटेगा और एक बार फिर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में बनेगी। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के नेता बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के भीतर टिकटों को लेकर झगड़ा चल रहा है। यहाँ तक कि टिकट बांटने वालों पर टिकट बेचने के आरोप खुद कांग्रेस के ही लोगों ने लगाए हैं। इसी पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबा में झांके और बताए कि उन्होंने भारत पर अनेक दशकों तक राज किया है, सत्ता में क्या काम करवाए और कितना विकास करवाया, इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।